हरी बोल बोल इनको कम कम, हरे कृष्णा इसे इनको एकदम कम कर, हरे कृष्णा हरी बोल इनको थोड़ा कम कर, हरे कृष्णा। पीछे तक आवाज आ रही है, पीछे तक आ रही है आवाज, किसको दूसरे पास में आ रही है, सबके पास में। ओम ज्ञान तिमिरामृतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर, जीत कहाँ गया, चक्षुर मिलितं येन सुलभम्, इधर आ जा। तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय हंसदाले, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री कृष्ण कृते चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य कथा बोलो, इस प्रयोजन प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर सबका हाथ जाकर बोलो, बल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे बोलो, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमंश परिव्राज आचार्य की गंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानंद गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद समस्त कीर्तनकार माताएं दीदी प्रभु लोग सभी के चरणों में अतः उनके दंडवत प्रणाम करते हैं। आज हमारा बहुत सौभाग्य का दिन है, हमारे बीच में महाराज जी आए और इस सोर का धाम में 2 साल पहले कथा हुई थी, भागवत कथा है ना, भागवत कथा हुई थी, उस समय महाराज ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए थे है ना, सब लोग भूल गए हैं, कैसे भूल गए, क्या याद है बताओ। महाराज जी सारी कथा का 3 सार बता के गए थे, मैंने बताया था पिछली आपके आए थे पास, एक तो तिलक होना चाहिए मस्तिष्क पर, यहाँ तो हले जाएगा कुछ, कंठी माला होनी चाहिए है, कंठी माला होनी चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए ना, पिछली बार की कथा बता गया था, बताया था ना, भागवत में क्या है 18,000 श्लोक याद है कि ये 3 नहीं पहना है, लेकिन पहना है, 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक में ये महाराज जी ने बार बार कथा के रोज ये चीज फोकस की थी, क्या क्योंकि यमराज जी है ना, किसी का भी समय का कुछ पता नहीं, कभी भी आ सकते है ना, और जिस समय तिलक नहीं हुआ ना, हमें क्या पता हमारा शरीर किस समय कहाँ चले जाए, भगवान न करे, अगर कंठी माला रहेगी और तिलक रहेंगे और भगवान का नाम रहेगा ना मुख में, कोई चिंता नहीं, आप पूरा कोई दुश्मन ने आप पे हमला बोल दिया, आपके पास पूरा अस्त्र शस्त्र में कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास कुछ नहीं है तो कितना दिक्कत की बात है ना। यमराज जी ने कहा था स्वयं कि अपने दूतों को उनके पास भूल के भी मत जाना जिनके पास ये चीज हो, दूर से ही मत जाना, जैसे तिलक है माता के लिए पसीने मिट गया, इन माता का तो मिटा नहीं, इनका नहीं मिटा, देखो सिरकार का देखो बहुत मेहनत कर रहे जब से नहीं मिटा, महाराज जी का देखो जब से मिटा है पसीने मिटा। दूसरी बात कह रहे गर्मी लग रही है तो सोने की चैन तो कारी नहीं कहना किया ना, तो इसलिए क्या है ये जो है ना कंठी माला हमें तो पहन के रखनी है,
कभी भी कोई भी किसी के साथ कोई घटना घट सकती है, भगवान ना करे ना करे। अगर ये रहेगी ना, ये कितनी बड़ी शक्ति है इसमें। अभी महाराज जी ने कथा सुनाई थी, मैं एक दो कथा तीन चीजों के बारे में बता देता हूँ। एक बार सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है, कंठी माला की सच्ची, तुलसी माला की कितनी महिमा है। ये भगवान की बहुत प्यारी है, क्या कहते हैं, ओम वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। भगवान की सबसे प्रिय तुलसी, अगर जाने अनजाने में तुलसी माला गले में रहे या स्पर्श भी हो जाए किसी भी समय, तो आप नरक में जा रहे ना, आप नरक से नहीं जाओगे। कोई भी आपको नरक में ले जा सकता, कितने भी पाप किए हो आपने, आप नरक नहीं जा सकते। तुरंत वापिस आप नरक से हो जाएंगे, तुरंत स्वर्ग जाएंगे, प्रतिलोक पे आएंगे, कहीं भी वहां आएंगे, आप दोबारा जन्म होगा पर नरक नहीं जाएंगे। तो एक बार क्या है, ये जयपुर की घटना है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति क्या यम के दूत आने वाले थे वहां पर, तो एक व्यक्ति भविष्य बता देता। तो वहां पर क्या है, कोई मुसलमान था, मुसलमान तो मुसलमान वहां पर था, वो मुसलमान तो उन्होंने कहा मुसलमान को बोला देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक घोड़ा आएगा, बैलगाड़ी आएगी, बड़ी तेजी से चलेगी, और चल गई ये बैल, यहाँ पर बैलगाड़ी का जो बैल होगा वो एकदम अनकंट्रोल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और जो बैलगाड़ी में बैठा हुआ है और एक व्यक्ति जिसके जो व्यक्ति यहाँ रहेगा जब बैलगाड़ी से टकराएगी तो वो व्यक्ति यहाँ मरने वाला है, और उसके यमराज जी के दूत लेके जाएंगे। किससे बात चलिए, मुसलमान से। मुसलमान कह रहे ऐसे कैसे हो जाए, कर देखना ऐसे होगा। कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक बैलगाड़ी बड़ी तेजी से चलते आई वहां पर, और चलते आई तो वहां पर क्या हुआ, तो तुरंत ही क्या हुआ, बैल एकदम से वहां बिगड़ गया, और बैल के जो व्यक्ति था तो वो क्या हुआ, जैसे गिरा वो तुलसी का पौधा था, वहां तुलसी का पौधा था, उससे उसका हार्ट टच हो गया। तो यमराज के जो दूत लेने के लिए आए थे ना, यम के दूत, वो लेने तो आ रहे थे, तैयारी थी पूरी, देखा तुलसी टच हो गई, इससे तुलसी का पौधा था उसके ऊपर गिर गया, और वो यम के दूत पीछे हो गए। जहाँ तुलसी होती है यमराज जी के दूत आ नहीं सकते, तो उन्होंने कहा भैया तुम तो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे घटना होने देगी और यमराज जी के दूत आएंगे, सब लोग आएंगे। उन्होंने कहा वैसे ही बिल्कुल होने वाला था, पर ये इस व्यक्ति के क्या हुआ, शरीर क्या हुआ, तुलसी पे टच हो गया, अब ये यमराज जी के दूत से ले जा नहीं सकते, सिर्फ तुलसी से टच होने के कारण। अगर आपने पूरे जीवन तुलसी कंठी माला पहनी है और अंतिम समय निकाल दिया आपने, है अंतिम समय निकाल दी, तो कितना नुकसान है आपको, पूरा जीवन पहनी और अभी कहेंगे अरे अंतिम समय पहन लेंगे, अब किसी का कोई पता है अंतिम समय कब आएगा, कोई गारंटी है, कोई भी गारंटी नहीं, कोई सड़क से जा रहा है, कभी कुछ हो जाए, क्या हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को कुछ हो जाए। और सच्ची घटना बताता हूँ आपको, मैं मेरा भाई ऋषि है, ऋषि जो आता रहता है, और एक हमारे जतिन प्रभु है और एक राजकुमार है, ये तीन लोग जा रहे थे स्कूटर पे जा रहे थे, और इनका इतना यहाँ पर सेक्टर 10 में एक ट्रक आ रहा था बड़ी तेज स्पीड में, तो इन तीनों का एक्सीडेंट हो गया और बहुत दूर जाके गिरे, स्कूटर अलग गिरा है, तीनों अलग गिरे, और ऋषि तो आदमी करके गया था, शाम को तिलक लग रहा था, तो ये वाला तिलक लग रहा, ये सब तिलक लगे, और इनका ये ड्यूटी से आ रहे थे, दो लोगों का तिलक नहीं था उस समय, तो राजकुमार के मस्तिष्क में तिलक नहीं था और कहीं भी तिलक नहीं था, तो उसके बहुत चोट लगी, और हमारे जो प्रभु जी थे उनकी बहुत चोट लगी, दोनों के ब्रेन में चोट लगी, ब्रेन की चोट बड़ी खतरनाक होती है, दोनों आईसीयू में गए, और ऋषि में चोट लगी, ऋषि को कुछ भी हुआ नहीं, हल्का सा ध्यान थोड़ा खड़ो चाहिए, सारे तिलक उन्होंने लगा के रखे थे। तो क्या हुआ, किसी भी समय कभी भी कोई घटना घटेगी तो क्या करना चाहिए, ये तिलक हमेशा लगाओ। अब बोलोगे आप शर्म आती है ना इतना बड़ा तिलक लगाने में, ये बात ठीक है, होती भी है, तो मैं एक बात कहता हूँ बार बार, शर्म पता किसको आती है, शर्म उसको आती है जो देखिए यहाँ पर 100 अगर व्यक्ति बैठे हैं, 99 में तिलक हुआ, एक को नहीं हुआ, तो शर्म किसको आएगी, एक को आएगी। अगर एक को तिलक लग रहा है और 99 को तिलक नहीं लग रहा है, अब शर्म किसको आएगी, एक को आएगी, जिसकी संख्या कम होती है ना उसको शर्म आती है। तो अगर आप सारे लोग तिलक, हमारे गांव में ना, हमारे गांव में झुंडपुरा गांव में यहाँ पर
तो पहले ना क्या आते हैं, माता तिलक लगाने शर्म करती थी, अरे इतना तिलक क्योंकि दूसरी माता मजाक उड़ाती थी, इतना बड़ा तिलक लगा लिया, भगत नहीं बन रही कोई भगत नहीं है, ऐसे ऐसे कहते पता है। तो वो अब धीरे धीरे क्या हुआ, महाराज जी के जाने से धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोग तिलक लगाने लगे, और हम लोग तो गाँव के सीधे साधे लोग हैं, कोई शरम वरम से विदेशी लोग तिलक लगा रहे हैं, मतलब विदेशी लोग पढ़े पढ़े लोग, बीटेक लोग, इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग तिलक लगाने जाते हैं। हमारे प्रभु जी है गोकुल चंद्र प्रभु, वो तिलक लगा के ऑफिस जाते तिलक लगा के, हम तो घर में रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनकी पता कितनी सैलरी है, उनकी 3 लाख रुपए सैलरी है महीने की। तो उन्होंने बॉस ने कहा कि आप तिलक लगा के, ये हो सकता है ऐसा हो सकता है तिलक लगा के ना हो, आप ऑफिस में कर नहीं कर, मेरे को निकाल दो ऑफिस से निकाल दो, परंतु मैं तिलक लगा के आऊंगा। वो व्यक्ति ऑफिस में तिलक लगा के जा रहे, कितनी सैलरी है 3 लाख, हम तो घर में रहने वाले, कोई थोड़ा बहुत मजाक उड़ाएंगे तो मजाक उड़ाने तो घबरा मत, पर यहाँ पर कितने लोग शराब पीते हैं, बोतल लेके शराब वराब पीते, उनको कोई मजाक उड़ा नहीं, अरे शराब छोड़ दी, प्याज छोड़ दी, लहसुन छोड़ दी, उनका लोग मजाक उड़ा रहे, तो दुर्भाग्य है ना। इसलिए आप घबराओ मत, अगर जो आपका मजाक उड़ा लेगा वो नरक जाएगा। जैसे माता ऐसे लगाया 4 माताओं ने और 3 माता उसका मजाक उड़ा रही है, नरक में जाएगी वो पक्का। आप घबराओ मत, थोड़ा सहन कर लो। अगर भगवान के नाम का, भगवान के तिलक का साधु संत के कोई मजाक उड़ाता है ना, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, हम कोई पाप कर्म कोई कर रहे, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो मजाक जो उड़ा रहे वो हाँ, कोई शराब पी रहा है तब उसका कोई मजाक उड़ाएगा वो तो ठीक बात है, पर जो कोई व्यक्ति शराब नहीं पी रहा, प्याज नहीं खा रहा, लहसुन नहीं खा रहा, तिलक लगा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, कंठी पहना है, उसका मजाक उड़ाना तो वो लोग तो नरक ही जाएंगे। इसलिए आप घबराना नहीं, पहले एडमिशन लो, एडमिशन फीस है ये तिलक लगाना। आप भक्ति में आगे बढ़ने को अरे भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कैसे बढ़ पाओगे। स्कूल में जाता है कोई बच्चा, अगर ड्रेस नहीं पहनी है, मिलिट्री में फौजी जाते हैं और बिना ड्रेस चले जाए, पता कितना नुकसान है। अगर उन्होंने बिना ड्रेस चले गए, पहचान होती है, पाकिस्तान में ड्रेस पहन के चले गए तो बम किस में फेंकना है, भाई ये ड्रेस हमारी है, ये हमारे सैनिक में याद रखना है, पता लगेगी कौन किसका है। कोई भी ड्रेस में जाते हैं ना, अभी मैं सच की बात बता रहा, देखो हम एक हमारे राजकुमार वो गाजियाबाद में रहते, वो क्या हुआ, वो नवद्वीप परिक्रमा में गए थे, नवद्वीप परिक्रमा गए गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उनका एडमिशन होना था बीए में, फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना था एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में, तो उसकी डेट निकल गई, उसकी डेट निकल गई, एडमिशन हो नहीं पाया। नवद्वीप परिक्रमा करने के बाद आए तो उनके ना कंठी कंठी पहनी थी, कंठी माला, तो उन्होंने कहा भैया एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन की डेट निकल गई है, कह रहे भाई कुछ देख लो, पैसा वैसा लेके कुछ कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ये कॉलेज है आप नहीं होगा। तो जैसे वो जा रहा था ना, राजकुमार जा रहा था, तो उसके गले में कंठी माला दिख गई प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने भक्त था, उन्होंने कह रहे ये क्या माला है, दिखा ना कंठी माला है, बोले हाँ ये तो कंठी माला है, करे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा चिंता मत करो, एकदम से देख के उन्होंने बोला तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और इतना ही हुआ, ये तो इस जगत के लाभ बता रहा हूँ, जगत के लाभ वैकुंठ जाओगे भगवान मिलेंगे वो तो अलग बात है, इस जगत में कितना लाभ है। उसने क्या किया, आज का प्रसाद हमारे घर पाओ, प्रिंसिपल को लेके गया, दोपहर का प्रसाद उन्होंने राजकुमार को कराया। मैं होली फैमिली गया, होली फैमिली बहुत लंबी लाइन थी वहां, हॉस्पिटल में गया था तो मेरे तिलक लग रहा था और कंठी माला थी, तो वहाँ नंबर ही नहीं आ रहा था, किसी ने मेरे कंठी माला देख लिया, तिलक देख लिया, तो कहना भैया आप गौड़ी से गौड़ीवंड से, मैंने कहा हाँ, कह रहे आप लाइन में मत लगो, आप ही दरा दो, सीधा डॉक्टर के पास ले गया। ये इस जगत के लाभ है, उस जगत के तो छोड़ो बात की बात है, बहुत लाभ है। तो आप घबराना नहीं, कम डरना नहीं है, कोई कितना मजाक उड़ाए तिलक लगा लो, तिलक लगाओ, भगवान का नाम करो, कंठी माला पहनो, सोने की उतार दो कोई बात नहीं, घबरा नहीं। यमराज जी नहीं पूछेंगे सोने की माला क्यों नहीं पहनी, हाँ कंठी को पूछेंगे, जब विष्णु दूत आएंगे, वैकुंठ दूत आएंगे, यमराज के दूत आएंगे, इसकी पहचान करेंगे, तुलसी की महिमा है, सोने चांदी की वहां महिमा नहीं है। इसलिए आप ये काम करना। और क्या बताए थे महाराज जी, बताए थे जो भी प्याज और लहसुन भी नहीं खाना है, भगवान को भोग लगा के खाना, भगवान के भोग लगा के खाओगे ना तो क्या होगा, आपके घर में पवित्रता आएगी,
आपके घर का परिवार का मंगल होगा, बच्चों का मंगल होगा, बुद्धि बढ़ेगी और पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, सब कुछ होगा। भगवान को भोग लगा के खाना, भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बहुत ज्यादा कुछ नहीं खाते। उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बताई है, फल लगा दो, फूल लगा दो, उनके लिए रोटी सब्जी दाल चावल लगा दो, बस ये लगा के पाओ, है ना। और एक काम और करना, बहुत जरूरी, सबसे जरूरी काम है सत्संग करना। सत्संग मतलब अपने श्रेष्ठ साधु का संग करना। जैसे हमारा मंदिर है सेक्टर 12 में, अब तो बन रहा है, अभी महाराज जी इतने पास में आए हुए सेक्टर 34, पता फरीदाबाद से लोग आ रहे हैं, गुड़गांव से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, पर आस लोग तो भूल ही गए, सोलका से कोई जाता नहीं, एक पर मुझे जाते अजय भैया भी जा रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। गुरु जी जब आते हैं ना, सारे काम छोड़कर करें, अगर 1 लाख जरूरी काम हो ना, सारे कामों को छोड़कर गुरु जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। और महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा है, महाराज जी का लोग अपॉइंट टाइम ले रहे हैं, वो टाइम नहीं मिल पा रहा, पर महाराज जी ने कहा कालू के घर में, अजय के घर में मैं जाऊंगा, खुद ही बोले महाराज जी, कितनी बड़ी कृपा है, समझ रहे आप। फिर आप लोग सब लोग कथा में देखो, 4 दिन निकल गए, 3 दिन, 5, 6, 7, आज का दिन राधा रानी का जन्म है, कल गिरिराज, कल विश्राम है, कल कथा, कल की कथा परसों होगी और फिर नरसों होगी, 9 तारीख को रथ यात्रा निकलेगी। आप लोग समय निकाल के आओ, 34 सेक्टर पास में, भैया के साथ आ जाना, इनके साथ आ जाना। भगवान की कथा जहाँ होती है ना, देवता लोग आते हैं स्वर्ग को छोड़कर, है देवता लोग आते हैं, और हम लोग अपने थोड़ा मोटा काम को छोड़, प्रसाद मिलेगा आपको, प्रसाद की व्यवस्था है, 3 दिन में कम से कम 2 दिन तो जाने जाना है। आज चलो आपका घर में महाराज जी आ गए, देर होगी नहीं जा पाए, कोशिश करना 3 दिन जाओ। अगर आप कथा की वैल्यू नहीं दे रहे हैं, भगवान के नाम को महत्व नहीं दे रहे हैं, घंटी माला को नहीं, तिलक को नहीं दे रहे, तो समझ लो साधु संग नहीं कर रहे आप, कुछ भी नहीं सुन रहे आप, एक कान से सुन रहे और दूसरे से निकाल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सुनो, ध्यान से सुनो, अभी महाराज जी आगे की कथा सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी तो माता है, कुछ लग रहा है कि एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से निकाल रहे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे प्रभु जी ने इतना महिमा बताया, नाम के, तुलसी के और तिलक के, कम से कम भगवान का नाम तो लो। बोलो बोलो हरे कृष्णा से पहले गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरपदस्थित श्रीमद् भक्तिवेदांत गतिधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग नमन प्रणाम करूं, गहिते रूपावंश करता हूं। तत्पश्चात रूपानुग गुरुवर्ग परम गुरुपाद पद्मा समस्त वैष्णववृंद वैष्णववृंद पूज्यपाद जी कृष्ण प्रभु की कांको समस्त भक्तवृंद आपसे माता चरण में अभिनंदन का यथाजोग्य नमन प्रणाम स्वीकार। बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि घर में सत्संग साधु संघ का माहौल है। देखो नारद जी को भगवान स्वयं कहते हैं। एक बार नारद जी भगवान के पास गए, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो ये भगवान कहते हैं कि देखो नारद, मैं कहाँ रहता हूँ तुम्हें बताता हूँ। कि नारद जी कहने लगे तो आप तो बैकुंठ में रहते हो, इसलिए प्रभु मैं बैकुंठ में आ गया। तो भगवान कहते मैं बैकुंठ में नहीं रहता, ना अहम तिष्ठामि वैकुंठ, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। अच्छा फिर तो योगियों के हृदय में रहते होंगे प्रभु। बोले नहीं, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो फिर आप रहते कहाँ पे? बता दें, मद्भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे नारद जी, मेरे भक्त लोग जहाँ पे सत्संग करते हैं इकट्ठा होके, जहाँ पे कीर्तन करते हैं गुरु महाराज जी के साथ इकट्ठा होकर, कीर्तन सत्संग करके भगवान के गुणगान को चर्चा करते हैं, मैं प्रत्यक्ष रूप में वहां पे विद्यमान हूँ। तो मानो कि यहाँ आज प्रत्यक्ष रूप में श्री बांके बिहारी आपके घर में आ गए। अरे भैया, बता रहे थे ना तुलसी
कंठी हमें निश्चित रूप में धारण करना चाहिए। ये तुलसी और कंठी ये क्या है तो बता रहे हैं, देखो इसी देश से इसी जगत से अगर हम कहीं दूसरे देश में जाए, यहाँ से हम अगर कोई विदेश जाए, हाँ क्या क्या चाहिए बताओ, क्या क्या चाहिए यहाँ से अगर विदेश जाओगे तो क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट, वीजा और क्या, और टिकट चाहिए। क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए और टिकट चाहिए। देखो इस जगत से हम जाते हैं, इस दुनिया से अगर इस जैसे इंडिया से हम अगर कहीं दूसरे कंट्री में, अदर स्टेट में, अदर कंट्री में या कहीं भी जाते हैं तो हमें पासपोर्ट, वीजा, टिकट चाहिए होता है। अगर यहाँ से अगर हम भगवान के धाम को जाएंगे, यहाँ से भगवान को धाम को जाएंगे तो कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं? तो बता रहे हैं वहां पे पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए और टिकट चाहिए। तो बता रहे हैं ये पासपोर्ट क्या है भैया, भगवान के धाम नित्य धाम जाने के लिए क्या लिखा पढ़ी करोगे? बता रहे हैं नहीं। कितना सरल उपाय बता दिया, देखो ये जो तिलक है ये साक्षात पासपोर्ट स्वरूप है। ऊर्ध्वपुंड, ऊर्ध्वपुंड क्यों इसका नाम है? हम लोग सोच बोलते हैं ना कि इतने बड़े तिलक लंबी चौड़ी कौन लगाएगा, हम तो थोड़ा छोटा मोटा करके निपटा ही देते हैं। बोले नहीं, ऊर्ध्वपुंड ऊर्ध्वगच्छे जस्य तः, ऊपर की तरफ ले जाने वाले ये तिलक है, ऊपर की तरफ ले जाने वाले ये तिलक है। ये तिलक का इतना महिमा है, मैं एक महिमा बता देता हूँ कि हमारे इंडिया के सबसे बड़े एक मेंटल हॉस्पिटल, एक पागल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जिनका नाम है रति रंजन सेठी, देखना नेट में आते हैं उनका बहुत सारा लेक्चर आता है। तो रांची में एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारे मेंटल लोग रहते थे, तो डॉक्टर थोड़ा अध्यात्म में जुड़ा हुआ था। उन्होंने रिसर्च किया कि जो पंडे लोग, जो ब्राह्मण लोग, वैष्णव लोग जो तिलक लगाते हैं, जो तिलक लगाते हैं उनका पीछे क्या कारण है। तो उन्होंने देखा कि जैसे रिसर्च करके देखा कि अरे जो लोग तिलक लगाएंगे वो लोग कभी भी मानसिक परिस्थिति में मानसिक बीमारी नहीं होगा। मानसिक बीमारी समझ रहे हो, हम लोग सब लोग आजकल क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चिंता करते हैं कि नहीं, अरे ये हो जाएगा, ये हुआ कि नहीं, सबसे सब क्या करते हैं, चिंता करते हैं। हाँ सबके साथ बहुत चिंता करते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। इसलिए देखना उन्होंने रिसर्च करके बताया कि जो जो लोग तिलक लगाएंगे, जो जो लोग इस नाम पे तिलक लगाएंगे तो उनको कभी भी मानसिक तनाव यानी किसी प्रकार की दुख चिंता नहीं होगा, किसी प्रकार की दुख चिंता नहीं होगा। अभी देखना रांची में पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट चलता है, पूरा यहाँ माथे पे पागलों को तिलक लगा करके, पूरा तिलक लगा करके उनका ट्रीटमेंट होता है। ये तिलक का इतना बड़ा महिमा है, ये तो इस जगत का महिमा है भाई, उस जगत का तिलक का इतना महिमा है कि यमदूत देख के डरने लगते हैं, यमदूत देख के डरने लगते हैं ये तिलक को। और ये साक्षात भगवान के चरण पादुका है, ये साक्षात भगवान के चरण पादुका है। और भगवान के चरण हम खाली नहीं रखते, इसलिए ये जो नीचे जो ये चिन्ह है ये तुलसी पत्ता के सदृश चिन्ह है, इसलिए ये तुलसी साक्षात है। तो इसी प्रकार ये तिलक का महिमा। कंठी देखो कि गोपियां स्वयं कह रहे हैं कि तच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, ये गोपी गीत, गोपियां स्वयं जिस समय कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गोपियां स्वयं कह रहे हैं कि ये तुलसी क्या है, कल्याणी। देखना बड़े से बड़े जे जितने भी बड़े से बड़े अगर सोने चांदी हीरा जवाहरात पहन लो, कोई गारंटी है मरते समय नरक नहीं जाओ, कोई गारंटी है क्या? लेकिन गले में अगर मरते समय एक भी कंठी तुलसी का दाना हो तो ये पक्का गारंटी है कि नरक में नहीं जाओगे, ये पक्की बात है, कहीं नरक में नहीं जाओगे, सीधा भगवान के धाम में जाओगे। इसलिए ये परम कल्याणी, हाँ जीव के लिए कल्याण सदृश है ये तुलसी। और गोविंद चरण प्रिय, भगवान का इतना प्रिय होता है कि भगवान गोविंद बांके बिहारी जिस समय ये तुलसी को माला को धारण करते हैं, इसके जो महक से बता रहे हैं कि मधुमक्खी आके भगवान को शरीर को काट लेते हैं तुलसी में चिपक करके, फिर भी भगवान तुलसी को निकाल के नहीं फेंकते, इतना प्रिय भगवान की ये तुलसी है भैया, इसलिए हमें तुलसी धारण करना चाहिए। और एक बात है, भगवान का नाम, भगवान के नाम ही ऐसा एक चीज है, भगवान के नाम ही ऐसा एक चीज है जो हमें इस जगत से उस जगत तक ले जाएगा, भगवान का नाम में इतना पावर है। और देखो हम लोग जितने भी व्रत करते हैं, शास्त्र में बताया गया है कि व्रतेत श्रेष्ठम हरिवासनम, हरिभक्ति विलास में बता रहे हैं कि सारे व्रतों में जो श्रेष्ठ व्रत है
वही एकादशी। कौन कौन एकादशी करते हो? देखो जो जो एकादशी करते हो उनके लिए तो जय हो, पर जो जो एकादशी व्रत नहीं करते वो लोग कृपा करके एकादशी व्रत किया करना। अभी 10 तारीख को एकादशी व्रत आ रही है, बढ़िया। अब इस व्रत का नाम है हरी शयनी एकादशी व्रत, और सबसे श्रेष्ठ व्रत है ये एकादशी। देखो हम लोग हर देवा देवी के लिए कुछ ना कुछ व्रत करते हैं, है ना? हर देवा देवी के लिए कुछ ना कुछ व्रत करते हैं। सिर्फ सोमवार आ गया तो शिव जी का व्रत कर लेते हैं, मंगलवार आ गया तो शिव जी को एक साइड में उठा के धर लेते हैं। अब तो भाई अब शिव जी तो गए, अब मंगलवार को अब देवी मैया की जय माता दी करने लगते हैं। बुधवार आया तो और कुछ, गुरुवार आया तो सब हटा दे के लक्ष्मी पूजा करने लगते हैं। हाँ, देवी देवता भी सोचने लगे, अरे भाई कल तो मुझे पूजा कर रहा था, आज पता नहीं क्या हो गया, इसको भी मुझे हटा दिया, अब मुझे पूछ ही नहीं रहा है, मेरे तरफ देख ही नहीं रहा है। शिव जी भी सोचने लगते हैं, भाई सोमवार कब आएगा और ये आके जल चढ़ाएगा, पता ही नहीं। तो देखो शास्त्र में बताया गया है कि केवल एक ही व्रत का विशेष करके बताया गया है, वो है एकादशी व्रत। अन्य किसी भी व्रत करोगे तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो दोष नहीं है। लेकिन देखो ये एकादशी व्रत ऐसा है, इस दिन में अगर अन्न को ग्रहण करोगे, अन्न खाओगे इस दिन में, तो निश्चित रूप में पाप भोजन करोगे, पाप लगेगा ये एकादशी व्रत को। अगर व्रत के दिन अगर अन्न खाओगे, क्योंकि अन्न में इसी एकादशी में पूर्ण रूप में गो हत्या, ब्रह्म हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, ये सारे पाप लगता है। इसलिए आप सभी माताएं एकादशी व्रत किया करना, तुलसी कंठी धारण करो। देखो हम लोग बोलते हैं ना कि हर चीज करना चाहिए, बोलते ही नहीं हर चीज करना चाहिए, लेकिन बोलने से पहले सोच लो। हर चीज मतलब भक्ति को हम छोड़ देते हैं, हम भक्ति को छोड़ देते हैं, भक्ति को छोड़ के हर चीज करना शुरू कर देते हैं, भक्ति को नहीं करते, और बोलते हैं भाई हर चीज तो करना चाहिए, घर गृहस्थी है। इसलिए भाई भक्ति को घर में जोड़ो, अपने जीवन में भक्ति को जोड़ो। इसलिए भक्ति कलिकाल में भगवान ने सबसे सरल उपाय बता दिया, कि कलिकाल में भगवान ने नाम बता दिया। देखो अन्य युगों में कितने युग हैं? 2, 10, कितना युग है? हमारा ऐसा स्थिति है हम कितना युग भी नहीं पता। किसी मुसलमान बच्चे को पूछ लो कि तुम्हारा कितना पैगंबर है, एकदम से झट करके बोल देगा, बताएगा कि नहीं, लेकिन हमारा ऐसा स्थिति हो गया है। तो देखो 4 युग है, 4 युग में 4 युग धर्म बताया गया है। सत्य युग में तपस्या करते थे, अब बताओ हम लोग तपस्या कर सकते हैं? हम लोग तपस्या कर सकते हैं बैठ करके? क्या नहीं कर सकते हम लोग तपस्या? क्यों? 1-2 मिनट के लिए भी, 1-2 घंटे के लिए हम बैठ नहीं पा रहे हैं, कोई घुटने इधर कर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई देख रहा है, कोई हिल रहा है, कोई डोल रहा है, हा? तो हम तपस्या कैसे करेंगे? तपस्या हम नहीं कर सकते। किसी को बोलो धूप में खड़े हो जाओ, हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो बता रहे हैं कि क्या करो भाई, हवन कर लो। बोले हम कलिकाल में हवन भी नहीं कर सकते, तो बोलते हो हम तो हवन करते हैं। पंडित जी आता है, बोलते हैं कि 1-2 घंटा अगर ज्यादा हवन कर लिया तो पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी 500-1000 रुपए ले लो और जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ दो, संकट में निपटा दो, अब हम हवन नहीं करेंगे, हो गया हमारा, जय सिया राम, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? इस प्रकार का स्थिति हो गया है। बोले हम पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। आप मान लो अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हो, फोन बज गया, कितने लोग दौड़ते हो आरती थाली छोड़ के? घर के सामने बारात जा रही है, कितने लोग दौड़ते हो? पड़ोसी में लड़ाई हो रहा है, कितने लोग देखने के लिए जाते हो? अरे क्या हो गया भाई, चलो देख के आते, कितने लोग जाते हो? होता है कि नहीं? लेकिन कली काल में भगवान ने बता दिया, कलो तत हरि कीर्तना कली युग केवल नाम आधारा सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। कली युग में केवल भगवान के नाम, ये नाम करने से तपस्या का फल मिल जाएगा, ये नाम जप करने से हवन का फल मिल जाएगा, ये नाम जप करने से सारे व्रत सारे तीर्थ में स्नान करने का फल मिल जाएगा, ये नाम जप करने से सारे पूजा का फल मिल जाएगा। इसलिए एक बार बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पिता गौर प्रेमानंदे हरे हरे ताली पे नहीं होता। देखो आज हम लोग बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि हमारे कालू प्रभु जी और भैया घर में आज संत को बुलाए, घर में हरी चर्चा और हरी कीर्तन हो रहे हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले जिस दिन घर में संत लोग आए
जिस दिन घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो, क्योंकि उस दिन वो घर घर में रह गया, वो घर भगवान का धाम, वो घर गोलक वृंदावन हो गया। इसलिए आज ये घर घर नहीं, आज ये घर क्या हो गया, गोलक वृंदावन हो गया। इसलिए एक समय जैसे यहाँ सत्संग हो रही ना, कहीं एक जगह पर ऐसे सत्संग हो रही थी, सत्संग हो रही थी, तो इतने में वहां पर कोई एक संत बैठा था जो बड़े भावुक था, बड़ी भाव से उन्होंने कथा सुनी। लेकिन जब कथा विश्राम हो गया, सबके सब चल गए, लेकिन वो संत वहीं पे वहीं बैठ रह गए। जब बैठ रह गए, थोड़ी देर बाद उनका आंख खुली, आंख खुली तो उन्हें बड़ा आश्चर्य घटना देखा। जान तो क्या देखा, देखा एक काला घोड़ा कहीं से भागते भागते आया, और जहां पर ये सत्संग हो रही थी वहीं पर उसने लौट पोट खाने लग गया, और लौट पोट खाते खाते वो जो एकदम काला रंग का था वो हो गया एकदम सोनी और चमचमाने लग गई। वो संत समझ गए कोई घोड़ा नहीं, ये कोई महापुरुष है। तो उन्होंने पूछा, महात्मा जी आप कौन हो? देखो घोड़ा क्या कहता है, कहते मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। प्रयाग नाम सुने हो, जितने तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी में जो तीर्थ है प्रयाग। क्यों? जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदी का जहाँ एकत्र है, इलाहाबाद प्रयाग सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। बोले आप तो पहले काला दिख रहे थे और यहाँ लौट पोट उठाते करते सोने कैसे हो गए? बोले जितने पापी आते हम कहते हैं ना चलो गंगा नहा करके पाप धोकर आ गए, है ना, लोग बोलते ना चलो गंगा नहा करके पाप को धो करके आएगी। और वह तो गंगा जमुना सरस्वती कभी जाओगे हर समय भीड़ देखोगे, हर समय भीड़ देखोगे। हम कुछ दिन पहले गए थे, इतनी भीड़ था, मैंने कहा हर समय भीड़ रहती है यहाँ पर। बोले ऐसे ही क्यों, तीर्थराज है ना, तीर्थ में राजा है। बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। कहते जितने पापी आकर के नहा करके सारे पाप को यहीं पर छोड़ जाते, और इनके पाप की बोझ से मैं धीरे 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 एकदम काला हो जाता हूँ। बोले यहाँ पर लौट को भी नहीं खा रहे थे, बोले यहाँ पर थोड़ी देर पहले सत्संग हो रहे थे ना। बोले हाँ। बोले जहाँ पर ये सत्संग हो पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं। बोले सर्वाणी तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा अच्युतादर कथा प्रसन्न, जहाँ पर भगवान अच्युत की कथा हो पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं। हैं? वो जो घर घर नहीं रह जाता वो घर साक्षात भोलक वृंदावन बन जाती है, वो स्थान पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं ढूंढता रहता हूँ कहाँ पर ये सत्संग हो रही है। थोड़ी देर पहले सत्संग हो रही इतना, बोले हाँ, बोले ये स्थान पवित्र है। जब यहाँ पर मैं लौट कर उठाया मेरे शरीर का सारे पाप भूल गया और एकदम मैंने सोने बन गया, फिर मैं पापियों का पाप को दो बार ले सकता हूँ। समझ रहे हो? इसलिए जो व्यक्ति कथा रूपी गंगा में स्नान करते हैं, समझ लो पृथ्वी का सारे तीर्थ में बैठ बैठ करके क्या कर लिया, स्नान कर लिया सारे तीर्थ में। तो लोग भी ताली नहीं बजाए, बिना पैसा के तुम लोगों ने सबके सब स्नान कर लिया ना, बिना पैसा के सारे तीर्थ जाओ तो क्या होगा बताओ? तीर्थ जाने से करोड़ों तीर्थ है, कितने पैसा लगेगा तीर्थ जाने में, है ना? अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कितने पैसा लगेगा। लेकिन जो तीर्थ से भी ज्यादा महत्व है ये कथा रूपी गंगा में नहाने का। जैसे हमारे जीत प्रभु बोल रहे थे, प्रभु जी बोल रहे थे, गले में कंठी पहनो, तिलक लगाओ, हरि का नाम करो, भगवान की भोग लगाओ, कोई तीर्थ तुमसे बात करेगा? कोई तीर्थ तुम्हें बताएगा तुम गले में कंठी तिलक पहनो? नहीं। लेकिन वो कौन बोलेगे? संत बोलते हैं। इसलिए शास्त्र में बताए दुर्लभ मनुष्य जन्म देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये कौन कह रहे हैं? ये वसुदेव महाराज कह रहे हैं। बोले किसको कह रहे हैं? बोले नारद जी को। हैं? ये नारद जी जब द्वारका में नारद जी आए, बहुत बड़ी यज्ञ हो रही थी जिसका नाम था विश्व शांति महायज्ञ। क्या नाम था? विश्व में शांति से कैसे हो। लेकिन जब नारद जी आए ना, वसुदेव महाराज खड़े हो, बोले यज्ञ बंद करो, यज्ञ करने का कोई फल नहीं। क्यों?
यज्ञ का फल ही स्वयं आरती, बोले कौन, बोले नारद जी। मतलब जब संतों का दर्शन हो जाए, क्या समझना, जीवन का जितने सत्कर्म है, जगत का जितने पुण्य है, वो संत रूप में ही जगत में आते हैं। इसलिए अगर संतों का दर्शन हो गया, वसुदेव महाराज कहते हैं भगवान के दर्शन से भी संतो दर्शन दुर्लभ है। घर में घर घर में ठाकुर लोग के है कि नहीं, गोपाल लड्डू गोपाल कभी बात करते हैं तुमसे, मेरे नाम करो, प्याज लहसुन मत खाओ, टीका लगाओ, गले में कंठी बहने, बोलते हैं कभी नहीं बोलते, कौन बोलेंगे, संत बोलते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान के दर्शन से संतो दर्शन दुर्लभ है। तब श्री वसुदेव महाराज नारद को प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु आप कृपा करके बताओ जीवन में शांति सुख कैसे मिले, क्या मिलेगा जीवन में शांति सुख कैसे मिलेगा हैं? जब प्रश्न करते हैं तब नारद जी कहते हैं भैया अगर जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो क्या करना पड़ेगा, बोले भयम द्वितीया सदस्यात ईसात अपेत विपर्जय स्मृति। बोले ये अशांति का कारण क्या है, उन्हें पूछा ना शांति कैसे मिलेगी, बोले क्यों घर में दुख कष्ट क्यों आता है, आप बताओ घर में कौन दुख कष्ट को निमंत्रण देता हो, कोई बुलाते हो घर में, कौन बुलाता है घर में दुख कष्ट आए, लेकिन बगैर निमंत्रण के आता है कि नहीं, आता है कि नहीं घर में, अपनी आवाज आता है। तब उन्होंने बताया भाई दुख का जड़ क्या कारण क्या है, बोले एक ही कारण है, हम जो जीव है हम अमृतस्य पुत्रा, हम साधारण घर के बच्चे नहीं, हम अमृत के भगवान की संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब भगवान का औलाद हैं, और भगवान कौन है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, लेकिन पिताजी का आदेश को हमने पालन नहीं किया। जैसे मानो पिता तुम्हारी अरब खरब बच्चे को कोई आदेश दिया करो, अगर बच्चा नहीं मानेगा तो पिता क्या करेगा, बोले जाता मेरे संपत्ति में तेरे कोई अधिकार नहीं, निकल जाए यहाँ से निकल जा, फिर वो क्या करेगा, दर 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 मारे मारे भटकी रख देगा। इसलिए हमारे पिता कौन है, परम पति भगवान श्री कृष्णचंद्र हमारे पिता, ठाकुर जी हमारे पिता है, उन्होंने आदेश दिया कि देख बेटा तुम मेरे बच्चे हो, बच्चों का क्या कर्तव्य है, पिता माता की सेवा करना, किसकी सेवा करना, अब बोलो क्या सेवा करना, पिता माता की सेवा करना बच्चे का कर्तव्य है। अगर सवेरे उठ करके अगर बच्चे पिता माता की चरण छूते हैं, उनका आदेश पालन करते हैं, अब बताओ पिता माता कितने खुश नहीं होंगे, मेरे लाला अच्छा है, हैं मेरे लाला अच्छा लाला है, सवेरे उठ करके प्यार सुनता है, आदेश पालन करता, पिता माता क्या करेंगे, बोले इतने संपत्ति कमा करके बच्चों के लिए जाओ, कभी जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं हो, क्यों बच्चे हमारी अच्छे, अगर बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते पिता माता खुश रहेंगे, बोले कहां से नालायक आ गया है, लगता है पूर्व जन्म का कोई शत्रु बन करके बेटा रूप में आ गया है। इसलिए पिता बोले भैया मेरे संपत्ति में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हमारे पिता ठाकुर जी है, तब उनका आदेश क्या है, भगवान का आदेश क्या है, देखो क्या आदेश है, कृष्ण खुद कहते अर्जुन को, बोले मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कार, ये भगवान का आदेश है। बोले लाल बेटा ये मन का और किसको मत दया करो, मन किसको दो कन्या को दो, बोले और किसका भक्त मत बनो, मत भक्त भव तुम मेरा ही भक्त बनो, माम जाजी किसको पूजा करना, बोले मेरे को पूजा करना, माम नमस्कुरो बोले नमस्कार किसको करेंगे, बोले मेरे को नमस्कार करो, अगर तुम करोगे तो बेटा तुम मेरे को ही प्राप्त करोगे, बोले तेरे को पाने से क्या होगा, भगवान खुद कहते हैं बोले जत तत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम, जहाँ जाने से जी कभी भी वहां से वापस नहीं आएगा, न चित्र रोग न जरा न जन्म मृत्यु दुख कष्ट कुछ नहीं, जहाँ आनंद ही आनंद। सरकार का आर्डर हो जाता है बहुत ज्यादा गांव में कुत्ता हो गया, वो कुत्ते को पकड़ने के लिए आते हैं, नहीं तो गोली मार देते, किसको पकड़ने के लिए जाएंगे, जो फालतू रोड में कुत्ते घूम रहे हैं, फालतू कुत्ते को नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे नहीं, मतलब है जब दूध किसको ले जाएंगे, जिसके गले में ये तुलसी की कंठी नहीं, सब फालतू कुत्ते सब रोड रोड में घूमने वाले, इसलिए फालतू नहीं भर कर क्या बना ठाकुर जी की, अरे बोलो ठाकुर जी की फालतू बनना, ठीक है ना, इसलिए गले में तुलसी की कंठी पहनो,
और तिलक लगाओ और हरि का नाम जप करो और किसी से ही कल्याण और एकादशी व्रत रखियो। ठीक है, जो लोग गले में पहले माला ली थी, अगर गला में टूट गया तो ले लो, ठीक है, ले लेना। और नियम है जब गुरु जी से एक बार माला पहनते हैं गले से कभी माला नहीं उतरनी चाहिए। गुरु जी कहते थे अगर गले में कटती है ना, जब कोई बोली बोलते हैं वो शुद्ध बन करके निकलता है, जब कोई चीज ग्रहण करते हैं गले में कंठी वो टच करते भी अंदर में जाता है, पवित्र है। जैसे ठाकुर जी को भोग लगाओ, जितने कुछ लगाओ अगर तुलसी पता नहीं तो वे ठाकुर ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए गले में जब तक वो कंठी नहीं पहनते हैं तब तक ये शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगती है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अति किस कृतम सर्वम निरर्थकम। जो व्यक्ति गुरु जी से दीक्षा मंत्र को ग्रहण नहीं किया तो उसका सारे पूजा पाठ निष्फल हो जाता है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती फिर क्या करनी चाहिए, बोले पशु जोनिम अपवाद। अगर इसी जीवन में अगर गुरु से दीक्षा मंत्र नहीं लिया अगले जीवन में उसको जानवर जीवन में जाना पड़ेगा, उसको जानवर जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए नियम है गले में कंठी तिलक हरि नाम करके भगवान की भजन करो। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की और कालू प्रभु के परिवार लोगों की ताली बजाओ उनके लिए, अजय प्रभु की उनके परिवार की। किसको किस बात में माला है, पहले मैं माला दिया था ना जप करने के लिए, किसको किसको पास में, सब लोग माला करती हो ना, हर दिन को पास में नहीं सब ले लेना। ठीक है, एक माला ले लो, हरि नाम करो, भजन करो, पूरा परिवार को भजन करा, प्रभु जी भजन करा। हरे कृष्णा।